पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद मंडल की विकास कार्यों की समीक्षा के लिए पधारे थे। अब मैं यहाँ से का रहने वाला हूँ, मेरा होम मंडल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आना हुआ है। पहले कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से जनप्रतिनिधियों की बैठक और फिर सभी अधिकारियों के मुरादाबाद जिले को प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। बाकी चारों जिलों में वर्चुअल जो भी सरकार की लाभार्थी परक योजनाएं हैं, लोक कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं की समीक्षा की है और जो काम तेज़ी से करने के लिए सभी परियोजनाओं को, सभी विकास योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निश्चित समय अवधि है उस समय अवधि को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव विधायक जी को बात नगर निकायों के चुनाव में कुछ नगर निकायों में सीमा विस्तार हुआ है। कुछ नगर क्षेत्र नगर पालिका नगर पंचायतें बने हैं, कुछ नगर पंचायत नगर निगम में कुछ नया क्षेत्र सम्मिलित हुआ, तो उन क्षेत्रों में परिसीमन का काम चल रहा है। मतदाता सूची और मतदाता सूची के बाद तुरंत हम लोग आरक्षण करके निश्चित समय अवधि पर चुनाव कराने की करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 14 नगर निगम जीती थी, 16 नगर निगम थी, इस बार 17 नगर निगम हो गए हैं। मुझे विश्वास है कि नगर निकायों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, विकास के काम, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की और मेहनत, दोनों को आधार बनाकर हम जनता के बीच में जाएंगे और 100% नगर निगम 100% नगर पालिका जीते। इसके आगे अगले साल पूरे उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद की सीटों का चुनाव है। 3 स्नातक की सीटें हैं, 2 शिक्षक की सीट, तो जो 3 में से 1 सीट हमारे मुरादाबाद बरेली वाली में, वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त वहाँ विधान परिषद के सदस्य हैं। पूरा संगठन पूरी तैयारी से लग रहा है, हम वोट बनवाने का काम करें और वोट बनवाने के बाद वोट डलवाने का काम और वोट डलवाने के बाद वोट गिनवाने का काम और फिर गुरुजी को माला पहनाने का। सर अध्यक्ष बनने के बाद मुरादाबाद पहुंचे, आज आपका स्वागत समारोह है पूरे क्षेत्र में। मुझे एक पंचायत भवन में सभी जिले भर के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और मैं प्रत्यक्ष रूप से संवाद करके सबका धन्यवाद करूंगा कि उनके सहयोग से, उनके प्रयास से मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, गृह मंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी मैं सब अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ लेकर अच्छे मन से निभाऊंगा। जो अपेक्षा प्रदेश की केंद्र की है उस केंद्र की अपेक्षा को 100% पूरा करूंगा, जो अपेक्षा है देश के प्रधानमंत्री जी की उसे पूरा करूंगा और सबको साथ लेकर चलूंगा। जी एक सवाल सा मेरा, परिवारवाद की बात हो रही है निकाय चुनाव के बारे में, क्या रहेगा, क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि उस विरासत को आगे नहीं बढ़ाना। बिल्कुल कोई भी परिवार के व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने हैं, सिटिंग हैं, तो सिटिंग के बारे में दल तय कर लेगा क्या करना है, लेकिन नई व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा। निकाय चुनाव कब तक होंगे? समय अवधि में ही होंगे, जब तक कार्यकाल होगा समय में ही कराएंगे। चलो चलो चलो, चलिए चलो 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 चलो, बाद में हो जाए, हो गया हो गया हो गया। Thank you.
आपकी आवाज़।